बजाज डोमिनार 400 BS6 जो राइडिंग टूरिंग एक्सेसरीज के साथ आ रही है। तो कैसे हो मेरे प्यारे मैस वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थंबनेल आपने देख ली है, बजाज डोमिनार 400 BS6 जिसमें राइडिंग टूरिंग एक्सेसरीज फिटेड आती है कंपनी की तरफ से। सो आप इस बाइक को कैसे खरीद सकते हैं एंड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z। सो वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर दीजिए, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए नीचे लाल वाला बटन दबा के, घंटे वाले बटन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, अभी तक फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय बजाज डोमिनार 400 BS6, आप इसको किस तरीके से खरीद सकते हैं, और जो भाई लोग लेना मांग रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको तो ज़रूर करिए ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए और आसानी हो जाए उनको इस बाइक को खरीदने के लिए। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज डोमिनार 400 BS6 जो राइडिंग टूरिंग एक्सेसरीज के साथ आ रही है कंपनी की तरफ से फिटेड, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है, आपका खर्चा बच रहा है क्योंकि आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाते हैं, आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये खर्चा आपका डायरेक्टली बच रहा है। सो बाइक को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप कैश डाउन पेमेंट देके बाइक को खरीद लीजिए, या तो आप लोन EMI पे ले लीजिए बाइक को। तो सबसे पहले बाइक की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 217,000 इन दिल्ली, 217,000 अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है, और जो ऑन रोड दिल्ली में पड़ती है इसकी प्राइसिंग दैट इज़ 257,700, 257,700 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर। सो खरीदने से पहले तो आपको सबसे पहले बाइक को बुक करवाना पड़ेगा, तो इसका जो बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये दे के आप बाइक को बुक करवा सकते हैं, और बाइक का जो वेटिंग पीरियड नहीं है क्योंकि बाइक जो है रेडली अवेलेबल है ऑन द स्पॉट डिलीवरी के लिए। सो जस्ट इन केस अगर बाइक अवेलेबल नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के बीच में आ जाती है बाइक, क्योंकि यार देखो 5-6 दिन तो पुणे फैक्ट्री से आने में लग जाते हैं ट्रक में बाइक को, और वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होती है जो उसमें 5-6 दिन वैसे लग जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के बीच में आपको बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी। अभी इस बाइक के ऊपर कोई ऑफर स्कीम्स नहीं है, तो बट ये है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर स्कीम्स आती रहती हैं, आप शोरूम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो बग्गा लिंक का नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सो इस बाइक के ऊपर 5 साल की वारंटी मिलती है और 75,000 किलोमीटर विच एवर अकर्स अर्लियर, तो बाकी जो वारंटी की डिटेल्स हैं क्या क्या चीज़ कवर होती है आप शोरूम से कन्फर्म कर लीजिए। हाँ, साथ में इसकी सर्विस भी बता देता हूँ, जो पहली सर्विस है अप टू 750 किलोमीटर्स और 1 मंथ, दूसरी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर तक होती है, और जो तीसरी सर्विस है दैट इज अप टू 10,000 किलोमीटर्स, बाद में उसका जो टेन्योर है दैट इज 5,000 किलोमीटर्स और 4 मंथ्स का रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा लेकर चलिए सर्विस का दैट इज 2100-2200 के अप्रॉक्सीमेटली रहता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तो आपकी पता चल जाए कि भाई आप जब बाइक ले रहे हो तो भाई कितना खर्चा हो सकता है मेंटेनेंस का। तो जैसे मैंने आपको प्राइसिंग वाली बता दी है, तो अब आते हैं कि जैसे बाइक को आप कैश पे कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा, तो 5,000 रुपीज़ दे के आप बाइक को बुक करवा सकते हैं, और जो शोरूम्स हैं वो अप टू 2 लाख रुपीज़ कैश एक्सेप्ट करते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो शोरूम से आप कंफर्म कर लीजिए उनको कितना कैश चाहिए, कितनी आपको बैंक ट्रांसफर वगैरह जो है वो आप कंफर्म कर लीजिए उनसे, जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो आपको बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी। तो दूसरा तरीका जो है बाइक को आप लोन पे कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बाइक को बुक ही करवाना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, उसका एक पूरा मैंने लिस्ट तैयार करी हुई है तो आपको बाद में दिखा दूंगा। तो बाइक को लेने के लिए सबसे पहले तो सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, तो आपका सिबिल स्कोर जो है 750 प्लस होना चाहिए, और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है 3 लाख तक की हो तो बढ़िया है, और जो बाइक का लोन जो है अप्रॉक्सीमेटली 90% हो जाता है, अगर आपकी रिटर्न और डॉक्यूमेंट अच्छे तो 95 भी हो सकता है। तो जो बग्गा लिंक के ऊपर जो लोन है वो बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड से और बहुत सारे उनके पास बैंक्स हैं जिनसे वो लोन करवाते हैं, तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। सो बहुत सारी ऑफर स्कीम्स आती हैं लोन करवाने के लिए टाइम टू टाइम, सो आप कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं, डाउन पेमेंट कितनी होगी, कैसे होगा, क्या होगा, बट मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए तो आपके खर्चे कितने होंगे अप्रॉक्सीमेट। सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी रिटर्न ज़्यादा नहीं है बट स्टिल आप बाइक को खरीदना मांगते हैं, देर इज़ अनदर वे दैट इज़ को एप्लीकेंट और को हायरर।
तो उसमें क्या होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर, उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पेपर्स के साथ लग जाते हैं, जो उनकी रिटर्न वगैरह जो होती है। बट ये जो फाइनल डिसीजन होता है ये बैंक के ऊपर होता है कि आपको कितना लोन देना है, लोन होगा भी कि नहीं। सो ये चीज प्योरली डिसीजन बैंक का होता है। बट ये है कि कोहायरर भी एक तरीका है अगर आपकी रिटर्न नहीं है ज्यादा। दूसरा ये है कि अगर आप अपने आप लोन करवाना मांगते हैं तो यस, आप अपने आप लोन भी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं शोरूम से मांगते लोन करवाने के लिए, उसमें यह होगा कि सबसे पहले आपको बाइक बुक करवानी पड़ेगी, ठीक है, पेमेंट करनी पड़ेगी 5,000 रुपीज दे के। और दूसरा यह है कि जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका लोन हो रहा है तो उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको शोरूम में देना पड़ेगा, जितने का भी है। और जो आपकी बैलेंस पेमेंट बनती है, जैसे अब एग्जांपल देता हूँ कि आपके 2,00,000 रुपए का लोन हुआ है और आपने 5,000 रुपए आपकी बुकिंग अमाउंट है, जो बाकी अमाउंट है जो है आपको शोरूम में देना पड़ेगा। और जब तक आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो क्लियर नहीं होता, शोरूम के पास पैसे नहीं आ जाते, कहने का मतलब पूरी पेमेंट नहीं क्लियर हो जाती, तब तक आपको शोरूम बाइक डिलीवरी नहीं देगा। एक और चीज आपको बताता हूं, तो जो जब आप लोन करवा रहे हैं तो आप शोरूम से सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ले लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए चार्जेस एंड ऑल कोई है तो कितने होंगे एंड ऑल एवरीथिंग, जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप शोरूम से लीजिए। सो जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन अप्लाई करने में, तो एक होगा इंडिविजुअल के लिए और एक होता है बिजनेस के लिए। तो आप एक काम करिए, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो एक पेज पे मैंने ईएमआईज बनाई हुई हैं 50,000 से लेके 2,25,000 तक की, और जो लोन है अप टू 5 years तक का होता है। तो ये है कि पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो फिर भाई लोन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये लिस्ट तैयार करी है। ऊपर है इंडिविजुअल या सैलरीड के लिए और नीचे है आपका बिजनेस के लिए। तो एक काम करिए, इसका पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो फिर भाइयों, ये मैंने ईएमआई का एक चार्ट तैयार करा हुआ है। ऊपर लोन अमाउंट दिया गया है 50,000 से 2,25,000 तक, और इधर ये लोन टेन्योर है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, कितनी ईएमआई बनती है। तो एक काम करिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए यार अप्रॉक्सीमेट आपका कितना खर्चा होगा। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा आपके खर्चे कितने होंगे, कितनी ईएमआई तक जाएगी आप जितने का भी आप लोन करवाना मांग रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना प्यारे भाइयों के जेडी भाई आपने जो ईएमआई बताई है वो कम है या ज़्यादा है। देखो जस्ट अ फेयर आइडिया, सो प्लीज़ डू नॉट कोट मी रॉन्ग एनीवेयर। सो प्यारे भाइयों, ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आप सबके लिए बनाया है ऑन बजाज डोमिनार 400 BS 6 2021 राइडिंग टूरिंग एक्सेसरी जो कंपनी फिटेड आ रही है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है। सो अगर अच्छा लगा है तो प्यारे भाइयों वीडियो को कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन खुला कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भाई लोग लेना मांग रहे हैं देख रहे हैं उनको तो ज़रूर करिए, बग्गा लिंक का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए नीचे लाल वाला बटन दबा के, घंटे वाले बटन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे आईडी आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।